वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे का इतिहास। भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत 1966 में महाराष्ट्र से हुई थी। वर्ष 1974 में पुणे में ग्राहक पंचायत की स्थापना के बाद उनके राज्यों में उपभोक्ता कल्याण के लिए संस्थाओं का गठन किया गया और ये आंदोलन बढ़ता गया। 9 दिसंबर 1986 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पहल पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक पारित किया गया और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद देश भर में लागू हुआ। पिछले साल 20 जुलाई 2020 को इस कानून में संशोधन कर ग्राहकों को और अधिक सशक्त सक्षम बनाने की कोशिश की गई। नए उपभोक्ता संरक्षण कानून में ग्राहक को मिले अधिकार। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उपभोक्ता संरक्षण कानून में भारत सरकार ने कई बड़े बदलाव किए हैं। नए उपभोक्ता कानून लागू होने के बाद कंपनियों और उनके विज्ञापन करने वाले कलाकारों की जवाबदेही पहले से ज्यादा हो गई है। ऐसे में उपभोक्ता पहले से ज्यादा सशक्त होकर खरीदारी कर सकते हैं। सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कानून में 2019 को ई कॉमर्स कंपनीज को भी शामिल किया है। इसमें ई कॉमर्स कंपनियां ग्राहकों को ठग नहीं सकती। यदि वो ऐसा करती हैं तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत उन पर सख्त कार्रवाई होगी। देखें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में कौन कौन से बड़े बदलाव किए गए हैं। कहीं भी दर्ज कर सकते हैं शिकायत। नए नियम के तहत अब उपभोक्ता यानी कि ग्राहक अपने खिलाफ हुई धोखाधड़ी में किसी भी कमीशन में शिकायत दर्ज करा सकता है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। केस वही दर्ज होता था जहां सामान बनाने वाले या सर्विस देने कंपनी का दफ्तर हो। सेलिब्रिटी भी जवाब दे। अब भ्रामक विज्ञापन करने पर सेलिब्रिटीज को भी सजा और जुर्माने का प्रावधान लागू किया गया है। ऐसे में सेलिब्रिटीज अब बेहद सोच समझ कर विज्ञापनों का चयन करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि पैसा मिलने पर वो किसी भी झूठे प्रोडक्ट का प्रचार कर दें। पहले भ्रामक विज्ञापनों के लिए सेलिब्रिटी की जवाबदेही तय नहीं थी। ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियां भी शामिल। नए कानून में ई कॉमर्स कंपनीज को भी शामिल किया गया है, यानी अब ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों को उत्पाद या सेवा के लिए कस्टमर केयर के सहारे बैठने की जरूरत नहीं है, अपनी शिकायत हर जगह दर्ज कर सकते हैं। विक्रेता भी दायरे में। अब बेचने वाले भी इस कानून के दायरे में होगा। अगर कोई दुकानदार सामान को तय MRP से ज्यादा पर बेच रहा है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई संभव है। मिलावटखोरी पर नकेल की कोशिश। अब खाने की चीजों को भी इस कानून के दायरे में लाया गया, यानी खाने पीने की चीजों में मिलावट होने पर कंपनीज पर जुर्माना और जेल का प्रावधान है। मिलावट के मामले में 6 महीने की सजा, जबकि मिलावट के चलते ग्राहक की मौत पर उम्र कैद की सजा हो सकती है। ग्राहकों को अब प्रोडक्ट लायबिलिटी। पहले किसी खराब उत्पाद पर सिर्फ उसकी तय रकम और थोड़ा हर्जाना मिलता था, जो कई मामलों में तो तय नहीं था, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ाकर प्रोडक्ट लायबिलिटी तय कर दी गई है। ऐसे में ग्राहकों को पहले से कई अधिक लाभ होगा। बड़े मामलों में जिला स्तर पर काम हो सकता है। पहले जिला स्तर पर 20 लाख रुपए तक, राज्य सरकार पर 1 करोड़ रुपए, तो वहीं इससे ज्यादा रकम के मामलों के शिकायत राष्ट्रीय स्तर पर सुनवाई की जा सकती थी। अब जिला आयोग का मूल आर्थिक क्षेत्र 1 करोड़ तक हो गया है। 10 करोड़ तक की धनराशि के मामले में राज्य आयोग सुनेगा, जबकि इससे ज्यादा मूल्यों के मामले में शिकायत राष्ट्रीय स्तर पर अपील कर सकते हैं। कंपनीज के खिलाफ क्लास एक्शन सूट। अगर एक कंपनी के खिलाफ उसके उत्पाद के अलग अलग मामले कई जगह हैं, तो अब बड़ी बड़ी कंपनीज को भारत में भी क्लास एक्शन सूट से डरना होगा। क्लास सूट के अंतर्गत एक जैसे मामलों का सामना कर रहे निवेशकों को एक साथ आने और एक मुकदमे में शामिल होने का मौका दिया जाता है। मध्यस्थ बनेगा विभाग। ग्राहक मध्यस्थता सेल का गठन किया गया है। अब दोनों पक्ष आपसी सहमति से मध्यस्थता का विकल्प चुन सकते हैं। उपभोक्ता आयोग, कंज्यूमर फोरम को और सुदृढ़ बनाने के साथ ही इसे कंज्यूमर कमीशन कर दिया गया है। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।